नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो? कल रात को हमारी लेट तक मीटिंग चली थी, तो फिर 12-1 बज गए थे। हम सोचे आप सुबह ही चेकआउट करते, तो जस्ट अब चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। मीटिंग अच्छी रही, यहाँ से जो पार्टी को मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट ट्रिप मुझे जामनगर आना पड़ेगा, तो ट्रिप पार्टी के लिए वहाँ पर मिलना है। अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मैं जल्दी डेट अनाउंस करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए तड़कते बढ़कते व्लॉग में। मैं आज आ चुका हूँ, जो पीछे दिख रहा है वो मेजेस्टिक रोड जो मैं चल रहा हूँ, वो टिकपेटे रोड है। यहाँ पे टिकपेटे रोड की मैं खासियत की बात किया, सबको सभी प्रकार के शोरूम देखने को मिलते हैं। खाने के लिए भी आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया बेस्ट क्वालिटी वाले आपको स्ट्रीट फूड देखने को मिलते हैं। हार्डवेयर के शोरूम है इधर, इधर आपको इलेक्ट्रिकल के सब बड़े बड़े शोरूम है, और आपको मॉल्स वगैरह है। कोई भी चीज़ आपको लेनी, साड़ी लेनी है, कपड़ा लेना है, शॉपिंग करना है, तो मेल और फीमेल के लिए बेस्ट से बेस्ट। और खासियत ये रोड की है, यहाँ पे एकदम सस्ता क्वालिटी आपको एकदम स्ट्रीट रोड मिलता है, एकदम सस्ते क्वालिटी में आपको अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरी दो दिन मीटिंग है, मैं जाने वाला हूँ वो भी स्क्रैप मार्केट में, तो यहाँ से आगे है अभी 500 मीटर पे। अभी ये मार्केट ओपन नहीं हुआ, जनरली 10:30 के बाद मार्केट ओपन होता है, तो बाद में आपको पता लगेगा यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। मेरा नॉइस भी आपको क्लियर शायद नहीं सुनाई देगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पीछे का व्यू और सब देखने की। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चिकपेट मेट्रो स्टेशन पे, अभी मैं जा रहा हूँ जेपी नगर। एक्चुअली जाना है मुझे बिलेखाली में, पर वहाँ पे डायरेक्ट कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो वहाँ पर जेपी नगर में उतर के वहाँ से ऑटो लेके डायरेक्ट बिलेखाली जा रहा हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने दोस्तों को मिलने के लिए, जो मैं श्री जी मेस करके नाम है गुजराती पीजी, जहाँ मैं पहले रहता था। मैंने 6-7 महीने वहाँ पर रहा, बस वही दोस्तों का कॉल आया था, तो उसको मिलने जा रहा हूँ। वहाँ का मैं व्लॉग शूट करूँगा आपके लिए, बस अभी तैयारी है मेट्रो आने के लिए। टिकट का अच्छा है, मैंने ऑनलाइन पेटीएम टिकट अब अवेलेबल हो गए, पहले देना था पैसे दे के गैस दे के आपको कूपन पेटीएम में आप कर सकते हो स्कैन करके, प्रोसेस वेरी इजी है। और बेंगलुरु में एक अच्छा है आपको घूमने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, एक तो मेट्रो मिल जाता है और एक तो वो बस, सिटी बस का भी अच्छा काम है, मेट्रो का तो बेस्ट ऑप्शन है। पूरे बेंगलुरु में नहीं है, एयरपोर्ट पर नहीं है, बोमचंद्रा में नहीं है, पिनिया साइड है, और अमुक जगह पर नहीं है, वहाँ मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, व्हाइट फील्ड में नहीं है, पर वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। लेट्स वेट कर रहे हैं ट्रेन का, आते हैं तो फिर निकलती है जेपी नगर के लिए। फाइनली जेपी नगर मेट्रो स्टेशन में आ चुका हूँ। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगता है जनरली मेट्रो पर, तो जयपुर ट्राफिक वाफिक को प्रॉब्लम आता नहीं है। अब यहाँ से ऑटो पकड़ के जाऊँगा बिलेट खान लेने। ये है पूरा मेट्रो का मैप, देख सकते हो आप, हम पकड़ेंगे ऑटो। जस्ट हमने ऑटो पकड़ लिया, हम जा रहे हैं जेपी नगर पिलेखाली। Yeah.
ओके जस्ट 100 मीटर दूर है यहाँ से मेरा पीजी। जस्ट हम पहुंच चुके हैं 3GPG का बोर्ड दिख रहा है। ये दो बिल्डिंग है 3GPG का। फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूँ। मेरा जो मेरा फ्रेंड बोल सकते हो सुदामा, ये है मिस्टर नावड़िया। हाय तो क्या दोस्तों, अब निकल चुका हूँ पीजी से। अब जा रहा हूँ मैं जेपी नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ से जाऊँगा चिकपेट, जो मैं सुबह आपको दिखाया था जहाँ से हम मेट्रो स्टेशन में बैठे थे। वहाँ थोड़ा काम है वो निपटा के, रात को एक पार्टी के साथ डिनर है वो करके जाएंगे रूम पे, और कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ बीच में ही उतर गया क्योंकि यहाँ देखो बहुत बड़ी लाइन है, वो काफ़ी जाम है। तो यहाँ से थोड़ा ही है तो मैं चल के चला जाता हूँ जेपी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। दोस्तों ये पूरा शॉपिंग मार्केट है जो मैंने सुबह आपको दिखा था एकदम खाली था, अभी अब इसकी रौनक नहीं थी। आगे है चलने की भी दोस्तों जगह नहीं मिल रही। पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लाइट लैम्प स्विच जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है आप एकदम होलसेल प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली अभी हम जा रहे हैं राजा मार्केट, नगर पेट भी जिसको बोला जाता है, वहाँ एक पार्टी को मिलने के लिए जा रहा है यू थ्री बॉय। ये दोस्तों पूरा आ चुका है शॉपिंग मार्केट, आपको साड़ी कपड़े और सब होलसेल रेट में देखने को मिलते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे हल्का हल्का बारिश शुरू हो चुका है, और ये है नगर पेट, यहाँ का जो डोसा है ये वाला स्ट्रीट फूड एकदम बेस्ट रेट बेस्ट क्वालिटी वाला मिलता है, मतलब टेस्ट में बेस्ट होता है। यही टेस्ट करने के लिए आए हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। मैंने एक बार खा चुका हूँ, बढ़िया टेस्ट है, आज देखते हैं फिर भी कैसा टेस्ट कुछ चेंज हुआ कि वही ऑथेंटिक ही है। दोस्तों अब बज चुके हैं 9:10, तो सारे मीटिंग ख़त्म करके जा रहा हूँ होटल, वहाँ से कल की मेरी फ़्लाइट है 12:50 की फ्लाइट है, मतलब 1 बजे के करीब की फ़्लाइट है। तो सुबह से निकल जाने वाला हूँ, ट्राई करूँगा आपके लिए एक और ब्लॉग डालूँ चेक इन का, फॉर वेब चेक इन और लॉन्च का, स्पेशली फॉर रोज में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कैसे प्रोसेस करना है, वो सब फिजिकल फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए। पूरा मार्केट हो चुका है क्लोज, और यहाँ से नज़दीकी होटल, तो चल के जा रहा हूँ। और बस ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।